बरेली में एबीपी गंगा की महापंचायत आज है। सियासी दिग्गजों से हर मुद्दे पर बेबाक सवाल होंगे, बेबाक बात होगी। महापंचायत के मंच पर दिग्गज रखेंगे आज अपनी बात। तो ये दिन भर कार्यक्रम चलेगा एबीपी गंगा पर। बरेली में एबीपी गंगा की महापंचायत है। सियासी दिग्गजों से हर मुद्दे पर बेबाक बात होगी। महापंचायत के मंच पर दिग्गज अपनी बात रखेंगे, जनता के सवालों का सीधा सामना करेंगे। रूहेलखंड में सबसे बड़ा ये सियासी मंच सजने जा रहा है। देखिए काउंटडाउन भी नीचे आप देख रहे हैं, 2 घंटे के आसपास लगभग समय है और सवालों की चक्रव्यूह में सुरमा जनता कामना सामना रहेगा। और देखिए ये सबसे बड़ा ये जो सियासी मंच है वो रूहेलखंड में हो रहा है। जनता, जनार्दन और पंच, ये कॉम्बिनेशन रखा गया है। सियासी दिग्गज होंगे, जनता, जनार्दन और पंच होंगे और सवालों का जवाब देना होगा सियासी सुरमाओं को। बरेली में एबीपी गंगा की महापंचायत होने जा रही है। काउंटडाउन देख लीजिए, 1 घंटे 59 मिनट का वक्त बचा हुआ है, लगभग 2 घंटे का वक्त, जिसके बाद दिन भर लगातार आप एबीपी गंगा पर महापंचायत देखेंगे। रूहेलखंड में ये कार्यक्रम हमारा हो रहा है और अब से 2 घंटे के बाद ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। और चलिए बरेली से हमारे संवाददाता अनूप मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, लगभग 2 घंटे का ही अब मात्र समय बचा है जब हर एक बड़े सवाल का जवाब देते हुए दिग्गज नजर आएंगे। जी बिल्कुल, रुहेलखंड की धरती जो कि बरेली है, यहाँ पर एबीपी गंगा का मंच सज रहा है और यहाँ महापंचायत होगी। महज 2 घंटे के लगभग का समय बचा है और 2 घंटे बाद राजनीति के बड़े बड़े दिग्गज, चाहे वो विपक्ष के नेता हों और चाहे वो पक्ष के नेता हों, यहाँ पर मौजूद होंगे। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, वो यहाँ पर मौजूद होंगे। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना, कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद, धर्मपाल जी और तमाम राज्य मंत्री, जिले के पूरे मंडल के बरेली, शाहजहाँपुर, पीलीभीत और बदायूं के जितने विधायक हैं, चाहे वो पक्ष के हों और चाहे वो विपक्ष के हों, वो भी मौजूद रहेंगे। सभी सांसद यहाँ पे मौजूद रहेंगे और जनता जनार्दन मौजूद रहेगी। जनता भी सीधे सवाल कर सकेगी कि आखिर उन्होंने क्या रोड मैप तैयार करा है, किस तरीके से जो प्रदेश की सरकार है, प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार, किस तरीके से जो विकास का खाका तैयार किया गया है उसके बारे में बताएंगे। जो रोड मैप तैयार किया गया है, खास तौर से अगर 2024 की बात की जाए तो उसको लेकर भी जो पार्टी के नेता हैं वो अपनी बात रखेंगे। तो एक बड़ा कॉन्क्लेव, बड़ी महापंचायत एबीपी गंगा पर आज दिन भर चलेगी। तो इसीलिए दर्शक पूरे दिन आज एबीपी गंगा पर लगे रहेंगे, एबीपी गंगा देखते रहेंगे, क्योंकि एबीपी गंगा आज हर मुद्दे पर बात करेगा, चाहे वो विकास की बात हो, चाहे राजनीति की बात हो, तमाम चीज़ें हैं, रोजगार की बात हो, हर मुद्दा उठेगा और बेबाकी से सवाल पूछे जाएंगे और हर नेता उनका जवाब भी देगा। तो बड़ी बात यह है कि जो भूपेंद्र चौधरी हैं, अभी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, वो भी हमारे साथ में मौजूद रहेंगे। वो जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं लगातार वो जगह जगह जा रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, 2024 की तैयारियों को देख रहे हैं, क्योंकि भाजपा की जो नीति है वो हमेशा चुनाव के मूड में रहते हैं, वो हमेशा तैयारी में लगे रहते हैं, वो इंतजार नहीं करते कि 24 आएगी तब हम लगेंगे, तो लगातार वो तैयारियों में लगे हुए हैं। तो फिलहाल आज एबीपी गंगा के मंच से इन्हीं तैयारियों के बारे में जनता तक अपनी बात पहुंचाएंगे और कड़े सवालों का सामना भी आज ये तमाम जनप्रतिनिधि करेंगे। शुक्रिया अनूप आपका। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।